कोविड-19 के प्रकोप से हमारा भारत अछूता नहीं है। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में जनमानस को इस बीमारी से बचाने को लेकर भारत के प्रधानमंत्री लगातार अपील कर रहे हैं। जनमानस में संदेश दिया जा रहा है कि सभी लोग लॉकडाउन का पालन करें और बेवजह घर से बाहर ना निकलें। इसी उद्देश्य को लेकर नगर पंचायत पागबड़ा पहुँचे CO हाईवे राम सागर द्वारा पागबड़ा में RAF और पुलिस के जवानों के साथ फ्लैग मार्च किया गया। सभी को सोशल डिस्टेंस पर जागरूक किया गया। इस दौरान उन्होंने पागबड़ा की गलियों में घूमकर जनमानस से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। CO हाईवे राम सागर द्वारा कहा गया, अनलॉक 1.0 शुरू हो गया है। ऐसे में सरकार द्वारा हमें अपने रोजगार को चलाने की इजाजत दी गई है, जिसमें सोशल डिस्टेंस का पालन करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा, अगर कोई कानून तोड़ता है उसके खिलाफ पुलिस प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जाएगी। CO हाईवे राम सागर द्वारा कहा गया कि बेवजह घर से बाहर ना निकलें और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग जरूर करें। इस मौके पर SO पागबड़ा रजनी द्विवेदी सहित अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। RAF के साथ इंस्पेक्टर पागबाड़ा के साथ फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है ताकि क्षेत्र में अमनो अमान बना रहे, शांति व्यवस्था बनी रहे, लोग एहसास हो कि फोर्स का मूवमेंट है और कोई बिला वजह की गतिविधियों में भाग न ले। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लॉकडाउन का पालन करें, इसको ध्यान में रखते हुए फ्लैग मार्च निकाला गया है। आमजन से भी सर क्या अपील रहेगी आपकी इस अभियान? आम जनता के लिए हमारी यही अपील है कि कोरोना से बीमारी के से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहें, बिना ज़रूरत के बाहर ना निकलें, चेहरे पर मास्क लगाएँ, मास्क नहीं है तो रुमाल या दुपट्टा लगाएँ, लेकिन खुले चेहरे से बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। बीमारी से बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है। सर जैसे कल से धर्मस्थल खुलने जा रहे हैं तो उनके लिए सर क्या कहना चाहेंगे? धर्म स्थल जो खुलने का है वो ऊपर स्तर से डिसीजन होगा, जैसा ऊपर से मार्गदर्शन होगा, जैसा आदेश होगा उसका पालन कराया जाएगा।